एमपी के पुनासा तहसील के पुरनी में निकल गई श्री राम मंदिर के लिए भव्य कलश यात्रा। राम का सजा दरबार। कांग्रेस नेता उत्तम पाल राज नारायण सिंह ने राम दरबार का आशीर्वाद लेकर कलश यात्रा में निकल रही कन्याओं की पूजा यात्रा में भी शामिल हुए। सोमवार को ऐतिहासिक दिन 500 वर्ष का वनवास काटकर भगवान श्री राम की अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरा देश खुशियां मना रहा है। वहीं पुनासा तहसील के पुरनी में भी इसका असर देखने को मिला। यहां पर महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसी के साथ कलश यात्रा में भगवान राम का दरबार भी ट्रैक्टर की ट्रॉली के ऊपर लगाया गया। वहीं मधानता विधानसभा के कांग्रेस नेता उत्तम पाल राज नारायण सिंह भी इस कलश यात्रा में शामिल हुए। सबसे पहले भगवान शिव और राम की पूजा की और जो राम दरबार बच्चों के द्वारा बनाया गया उनका पूजन करते हुए आरती करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही कलश यात्रा में शामिल होने वाली सभी कन्याओं को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और कलश यात्रा के दौरान झूमते हुए नजर आए। माहौल ही पूरे देश में इस कदर बना हुआ है राम मंदिर को लेकर कि कांग्रेस नेता भी यात्रा में शामिल होकर राम भक्ति में झूम रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।